तुम्हें कुछ हो गया क्या? फाइनली ऑथर आज हमें यहाँ कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हर रोज करते हैं बट आज कुछ ज्यादा ही डीप था। मतलब ये चीज कितनी सही सुबह है ना, बात तो सही है। बहुत मस्त है भाई। मतलब हल्की हल्की धूप निकली हुई है, पीछे बैकग्राउंड देखो एकदम हरियाली छाई हुई है, बारिश का मौसम है और बारिश भी नहीं हो रही है। वाह भाई धूप निकली, वाह मजा आ गया। तो स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में, और मैं हूँ मयंकर। यहाँ पे आपको मेरे ब्लॉग चैनल पे देखने मिलता है रोज़ का मेरा लाइफ स्टाइल। सो आज जो है मैं सबसे पहले ऊपर आ गया हूँ और मॉर्निंग रूटीन करता हूँ अपनी, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। सबसे पहले मैं मेडिटेशन करता हूँ कुछ 15-20 मिनट का, तो उसको मैं पूरा डाल नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेडिटेशन, बुक रीडिंग, योगा, एक्सरसाइज एंड जनरल राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ मॉर्निंग, क्योंकि मेरी मॉर्निंग रूटीन है। तो मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। उससे पहले आप चैनल पर अगर नए हो तो क्या पता है आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हो, तो कर दो और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा दो। अच्छा अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। ज़्यादा फॉर्मल होने की मैं कोशिश नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने सारा तामझाम ला के वहाँ रख दिया है। जिस तरीके से ये डंबल तो हमारे लास्ट के चैलेंजेस में यूज़ होगा, जो शाम को मैं चैलेंज सीरीज डालता हूँ एक्सरसाइज वाली, होम रूटीन वर्कआउट वाली, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये रही हमारी बुक जाने वाला हूँ पढ़ने, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे मेडिटेशन वगैरह करना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली ऑथर आज हमें यहाँ कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हर रोज़ करते हैं बट आज कुछ ज़्यादा ही डीप था। मतलब ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी मुझे जानने में भी कि भाई आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करवाते हो कि आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड है क्या करता है कि उसको, मतलब कॉन्शियस माइंड, सॉरी कॉन्शियस माइंड को बिलीव करवाते हो कि आप ये कर सकते हो। उसके बाद कॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसको सबकॉन्शियस माइंड में भेजता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो। अब सबकॉन्शियस माइंड को भाई वेरिफिकेशन चाहिए होता है कि आप क्या हार्ड वर्क कर रहे हो उतना, या फिर क्या आप उसके लिए इतना टाइम दे रहे हो, या आप उस चीज़ में स्किलफुल हो, या उसकी एबिलिटी स्किलफुल होने की कोशिश कर रहे हो। तो उसके बाद वो क्या है रिज़ल्ट देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कई लोगों को लगता है, कई बार क्या होता है कि उनको गलत फहमी हो जाती है, उनको खुद के ऊपर बिलीव ही नहीं होता और वो रिज़ल्ट मानने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, प्रे करो या बिलीव करो दोनों की बात है, लेकिन अगर आप खुद के ऊपर ही नहीं करते, फेथ ही नहीं है आपको अपने ऊपर, तो भाई चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आप उसमें चाहे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो, पूरे साल लगा दो, पूरे महीने लगा, ठीक है। और कई लोग एक हफ्ते में, 6 महीने में, 1 महीने में रिज़ल्ट मिलने लग जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो अपने ऊपर बिलीव करते हैं। इतना ही होता है नाच पता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ थी, मज़े आ गए। चलो अब चलते हैं नीचे, ये सब समेटना है और सारा काम यहाँ हो गया है, नीचे चलना है। चप्पल ये घर की है, मैं चल रहा हूँ आपको मिल जाता है। और ये देखो मैं यहाँ पे ना वो लगाई थी, कल आया था वो जो वाईफाई बंद हो गया था ना, तो उसने आया भाई और ये सब सुधार के गया है। तो एक्चुअली पावर डाउन हो गया था वहाँ से, H2 से पावर डाउन था, उसकी वजह से दिक्कत हुई, बाकी सब सही। A few moments later. गेट किसने खुला रखा है, गेट क्यों खुला है यहाँ पे, गेट क्यों खुला है भाई? देखो कितना पानी भरा गया यार, ये पानी पानी दिन भर बारिश हो रही है, रात भर बारिश हो रही है और दिन में ऐसे धूप निकल जाती है सटा में। कितना पानी देखो वहां से, नदी नाला बन गया है रोड, क्या बताएं। अब मैंने बोला गेट खुला था, बस फिर घर में कुछ ये हाल चाल है, भाई भी नहीं आ रहे तो झाड़ू पोछा नहीं कर रहा, तब ये सब जमाने का मेरे ऊपर ये सब कुछ। तो ठीक है चलो फिर ये सब करता हूँ और नहाता हूँ, फिर बैठूंगा अपना काम करने वापस। यार इतनी शाम हो चुकी है कि अब तो मम्मी भी आ चुकी है, मम्मी भी आ गई है, बाहर गई है शायद कहीं बातचीत करने, और ये देखो टर्बो भी निकल चुका है, इतनी शाम हो चुकी है
पीटर भी घूमने बाहर निकल गया, लेकिन मैं अभी तक चैलेंज करने नहीं पहुंचा हूं, तो अभी मैं सीधे छत पे जा रहा हूं। बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी गाइस मन नहीं कर रहा है मेरा चैलेंज करने का। मतलब इतने दिन हो गए मेरे पालसी से हारे कि छोड़ो भाई, क्योंकि रेस्ट लिया नहीं एक भी दिन। अब ऐसा लग रहा है कि जाने दो भाई, नहीं करते तो मेरे को लग रहा है भाई नहीं करता, बट भाई करना तो पड़ेगा, चैलेंज है। और चैलेंज सीरीज इसी को बोलते हैं कि भाई नहीं हो मान, आज कुछ भी हो जाए, कैसे भी वेदर हो और कोई भी सर्कमटेंसेस हो या कोई सिचुएशन हो, हमें जो है अपना काम जो है वो करना है। तो मैं पहुंच चुका हूँ, एक सुनहरी शाम हो रही है, बढ़िया। अरे वाह, हवा भी चल रही है भाई, इस मौसम में तो कर ही सकता हूँ यार। देखा मेरे साथ यही सीन है, पता जैसे मैं मूड चेंज हो जाता है, जैसे मैं ऊपर आता हूँ ना, मेरा मूड ही चेंज हो जाता है भाई। मतलब हाँ, हवा लग रहा है, हार्ट अटैक कर सकता हूँ। तो मेरे को बस ना सुबह उठ के ऊपर आना या शाम को उठ के ऊपर आना होता है, बस इतना ही काफ़ी होता है मेरे मोटिवेशन के लिए। और जैसे मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, मैं वापस अपनी चीज़ पे, अपने शेड्यूल पे आ जाता हूँ। मुझे बस थोड़ी सी प्लेस चेंज, मैं अपने आप को समझ गया हूँ यार, मैं अपनी लाइफस्टाइल समझ गया हूँ। और मैं ना समझ गया हूँ कि भाई मैं मतलब अपने आप को समझना होता है ना, कि कितने आपके कैलिबर हैं, आप अपने कैलिबर कैसे बढ़ा सकते हो, अपना फोकस कैसे बढ़ा सकते हो, डिटर्मिनेशन कैसे बढ़ा सकते हो। यहाँ बहुत ही मस्त बैकग्राउंड आता हुआ, तो आप यहाँ पे मुझे पाओगे हमेशा की तरह। तो हाँ, ये हो रहा था। चलो अब आ ही गए हैं, तो भाई स्टार्ट करते हैं यार चैलेंज, ठीक है। उससे पहले अंधेरा हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, पता भी नहीं चलता। और ये क्या चीज़ है पता है, मुझे भी नहीं पता भाई क्या चीज़ है ये, बताओ। यहाँ पड़ी थी ये, कुछ जियो फाइबर के रिलेटेड है। भैया लोग आए हैं और उन्होंने ना गाइस, ओ भाई देख रहे हो क्या हाल करके गए, ये इनका काम ही नहीं, ये पूरा पिन खोल के चले गए यहाँ पर। तो क्या ही करूँ मैं, कैसे लगाऊँ मैं इसको। और ये खुल गया, मेरा तो वाईफाई ही उड़ जाएगा। हाउ टू फिक्स दिस बॉयज, भाई साहब क्या ही है यार, ये तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है ठीक है, ये कहाँ से निकला, ठीक है इसको घुमा देता हूँ इसमें, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ। ये है कैमरा, भी करता हूँ इसको ओके। सो डन, ऐसा लगा के मैंने वायर निकाल दिया, थोड़ा सा वाटर प्रूफ रहेगा ये। तो अभी हम चल रहे हैं कहाँ पे, अपनी जिम करने, चलो। सो इसके बाद वाली जो वीडियो मिलने वाली वो आपको मिल जाएगी सीधा सीधा मेरे वीडियो चैलेंज सीरीज में, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो वैसे जिस तरीके से रात हो चुकी है, उसी कुछ तरीके से हमारा भी जो है वर्कआउट चैलेंज जो आज का था चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, वो ख़त्म हो चुका है। मुझे तो बहुत मज़ा आ गया भाई, बहुत बढ़िया पंप भी हो चुका है। और अगर आपने अभी तक चैनल लाइक नहीं किया वीडियो पसंद आने के बावजूद, तो भाई लाइक कर दो। या दो ही तरीके से हो सकते हैं, आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आपके हाथ गंदे हैं, या तो खाने से, इस वजह से आप जो है लाइक बटन दबा नहीं पा रहे, या सब्सक्राइब बटन दबा नहीं पा रहे, तो बड़ा बटन सब्सक्राइब दबा दो अगर यहाँ तक देख लिए तो, भाई क्या दिक्कत है। और शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ यार। क्या सीन है गाइस, एक्सरसाइज करने के बाद जस्ट मैं जब चैलेंज वीडियो में बाय बाय बोल रहा था, उस समय जो है बैटरी ख़त्म हो गई फ़ोन की, तो मैंने सोचा अब नीचे ही चलो। अब मैं नीचे चल के आया और मैंने फ़ोन लगा दिया चार्जिंग पे, तब तक मैं नहा के आ गया। अब मैं नहा के आके बैठा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो मुझे, और मैं अपना काम करने जा ही रहा था। तो मैं सोचा पहले वीडियो बना के आप सबको इन्फॉर्म तो कर दूँ कि हुआ क्या क्या। तो अभी जो है मम्मी है किचन में, आप देख सकते हो, यहाँ से किचन दिखेगा नहीं। तो अभी टर्बो यहाँ बैठा हुआ है, वो देखो कोने में वहाँ पर वो, और वो अपन को देख भी रहा है, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरी बात सुन रहा है और आपकी बात सुन रहा है, और उसका मुंह देखो इधर ही है, ठीक है, बकायदा ध्यान से सुन रहा है वो, क्या कोई कुछ बोल तो रहा है क्या उसके बारे में, क्योंकि उसने टर्बो नाम सुना और उसका जो है मुंडी उठ गई है। तो मुंडी उठने के बाद अब वो हम पे ध्यान देने लगा है। तो चलो उसकी बात ना करके हम अपनी शार्कीज़ और गोल्डीज़ की बात कर लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हो इन लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं इनको फिर से खाना देने आया हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं यार। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं खाना, क्योंकि मैं इनको सुबह दे देता हूँ और इन लोग फिर भी कुछ ना कुछ तो खा ही रही है यार। पता नहीं कुछ भी कचरा वचर खाने लग जाती है, मतलब ये कचरा इनका। तो अभी ये सोच रही है कि मैं इसको रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ। और दूसरी छोटी गोल्डी भी आ चुकी है, और जिधर साइड में रहूँगा इन लोग वहीं मन रहेगी। अगर मैं कैमरा उधर लेके जाऊँगा इन लोग उधर चली जाएगी। देखो वापस रिटर्न होके आ गई। अब इनके पास स्पेस ही कितना है, इतने इतने में घूमना है,
तो अभी हीटर मैंने बंद कर दिया, आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि भाई धूप निकल रही है सुबह और रात में बारिश होती है, तो मैं रात में ऑन कर देता हूँ एकदम मिडनाइट में सोने से पहले, और जो है सुबह उसको ऑफ कर देता हूँ। तो काफ़ी हेल्दी लग रही है हमारी फिश, आप देख सकते हो यहाँ से तो एक्वेरियम कितना बड़ा दिखता है रिफ्लेक्शन के कारण। और ये आ गई हमसे बात करने, क्या हुआ बोलो, कुछ बोल रही है गाइस, वो ये क्या हो गया इसको यहाँ पे, ये सर पे कुछ इचिंग सा हो गया गाइस, क्या हो गया है, ओए मक्खी, इधर आ गोल्डी, गोल्डी क्या हो गया है गाइस, के बारे में कुछ हो गया, इसको रिसर्च करना पड़ेगा मुझे क्या चीज़ है, तभी ये बताने आ रही है। हाँ हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कुछ करते हैं अपन इसका, ठीक है इसको क्या हो गया, अब तुम्हें कुछ हो गया क्या, धीरे मैं रहूँगा गाइस, उधर आ ही जाएंगे दोनों, देखो धक्का दे दिया उसको, इसको पता करना पड़ेगा हुआ क्या, चलो देखता हूँ मैं रिसर्च करके इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ एक, हाँ ठीक है ओके, खाना भी नहीं मिला, सुबह मिलेगा, जाओ। वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग करने बैठना है, मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, टाटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर।